आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे फेस वॉश के बारे में बात करूंगा जिसके इस्तेमाल से आप चेहरे के एक्ने को क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डार्क स्पॉट डीप क्लिंजिंग करता है और एक्ने पिंपल वगैरह को ख़त्म करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ये हर किस्म की स्किन के लिए मौजूद है। इसका तरीका इस्तेमाल जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल। फेस के दानों को कम करने के लिए इसमें टी ट्री ऑयल और नीम के एक्सट्राइड ऐड किए गए हैं जो कि बैक्टीरिया और सोजश को कम करते हैं, जिससे चेहरे के एक्ने और पिंपल को ख़त्म होने में मदद मिलती है। टी ट्री ऑयल और नीम के एक्सट्राइड में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो जल्द को सुकून बख्शती है। इसके अलावा जल्द में जलन को कम करती है और हसास स्किन वाले लोग भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो उनको भी इससे फ़ायदा हासिल होगा। ऑयल कंट्रोल, टी ट्री ऑयल और नीम के अर्क से ऑयली स्किन की जो मकदार है इसको कम करने में मदद मिलती है इसके इस्तेमाल से, जो कि ऑयली जल्द के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नीम का अर्क ऐसे एंटी ऑक्सीडेंट पर मुश्तमिल होता है जो जल्द की हिफाजत करता है बगैर नुकसान पहुँचाए। एंटी एजिंग खसूसियात, नीम के अर्क में मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट बरीक लकीरों और झुर्रियों की ज़ाहरी शक्ल को कम करके कपल वक्त बुढ़ापे से लड़ने में भी मददगार साबित होता है। इसके इस्तेमाल से उम्र के बढ़ने के साथ जो चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ बन जाती हैं उनको भी कम किया जा सकता है। अपने चेहरे पर कोई भी नई मसनूआत या अजदा इस्तेमाल करने से पहले किसी भी एलर्जी का रद्दअमल या जल्द की हसासियत को जांचने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी जल्द के मतलब खसूसी खदशात या हालात जो सेंसिटिव स्किन है तो माहिर अमराज जल्द से मशवरा करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। ये नीम और टी ट्री ऑयल के ऐसे फार्मूलेशन से तैयार किया गया है जो जल्द को निजासत से साफ करता है। कील मुहासों को साफ करने के अलावा इसकी मदद से आप जल्द से गंदगी और दीगर निजासत को दूर कर सकते हैं। इससे इस्तेमाल से नरम मुलायम रहती है, बकायदगी से इस्तेमाल से गहराई से साफ़ करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा ये कील मुहासों और दागों को दूर करने में मददगार साबित होता है। चेहरे को गीला करने के बाद थोड़ी सी मकदार एक्ने क्लियर फेस वाश की लें और चेहरे के ऊपर हल्के हाथों से मसाज करें। 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद जाग को अच्छी तरह चेहरे के ऊपर जो है मलें। इसके बाद इसका इस्तेमाल दिन में आप 2 दफ़ा कर सकते हैं। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें एक्वा यानी कि पानी, सोडियम लैथियम, इसके अलावा सल्फर ग्रेसिन, टी ट्री और नीम के एक्सट्राइड के अलावा सोडियम लैक्टोएट और फ्रेगरेंस वगैरह इसके अंदर ऐड की गई हैं। इसके अलावा मुकम्मल तफसील के साथ जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसके जो केमिकल फार्मूले की। इसके अंदर से नाज़रीन इस तरह का लिक्विड फॉर्म में जो है फेस वाश निकलेगा। 2 किस्म के फेस वाश होते हैं, एक ये लिक्विड वाला और एक जो क्रीमी है। आज की वीडियो क्योंकि क्रीमी के ऊपर नहीं लिक्विड के ऊपर है तो इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ मैंने आपको पहले बता दी है। अब इसके ऊपर जो है सिर्फ पैकिंग के बारे में जान लेते हैं। इस तरह की ग्रीन और वाइट कलर की पैकिंग में ये मार्केट में आता है। इसके ऊपर एक्ने क्लियर फेस वाश मेंशन है और सरफ्रिज जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो टी ट्री ऑयल और नीम के एक्सट्राइड शामिल हैं। इसके अलावा जो दूसरे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं वो मैंने तफसील के साथ मेंशन कर दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन बैक साइड पे चलें तो इसके ऊपर भी इन्होंने इसके इंग्रेडिएंट्स और इसका तरीका इस्तेमाल और इसके फ़ायदे जो हैं मेंशन किए हैं। नीचे इन्होंने इसका रिटेल प्राइस और इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा इन्होंने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये फॉर एक्सटर्नल यूज़ है, यानी कि सिर्फ बरूनी इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रंट साइड पर देखें तो मज़ीद इन्होंने जो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे के डार्क स्पॉट जो है वो ख़त्म हो गए और इस ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करता है, गहराई से साफ़ करता है। इसके अलावा एक्ने वगैरह को ख़त्म करता है और हर किस्म की स्किन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इसको आप ऑयली स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी स्किन पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी मकदार की बात करें तो 100 ml इसकी मकदार है। इसका अलावा इसकी प्राइस जो है वो 380 है। नाज़रीन आज की वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगे इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।